नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नया एपिसोड में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आईफोन कीपैड के ऊपर दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा एंड जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं था। दोस्तों हम जब भी अपने फोन पे कुछ टाइप करते हैं, चाहे वो वर्ड में हो, नोटपैड में हो या फिर ब्राउजर में हो, एंड टाइप करते करते जब पता लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो कर्सर को उस पॉइंट में ले जाने के लिए दिक्कतें आती हैं। तो बहुत बार हम लोग को क्या करना पड़ता है कि पूरे लाइन को डिलीट करके फिर से टाइप करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दो ट्रिक लेकर आया हूं जो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं नोटपैड में दिखाता हूं। देखिए नोटपैड में जाके बिल में लेके आता हूँ। ये देखिए दिस इज है टेस्ट फाइल, सपोज आपने ये लिख दिया है। ओके, अभी कर्सर को लेके जाने के लिए सिंपली आपको इसमें से प्रेस करके रखना है। ये देखिए आप अभी इसको सिंपली ऐसे मूव करा सकते हैं। ओके, ये है आपका फर्स्ट ट्रिक। और दूसरे ट्रिक में आप सिंपली स्पेस को अगर जब भी आप प्रेस करके होल्ड करोगे तो आपका ये वाला पूरा पोर्शन एक माउस पैड की तरह काम करने लगता है। देखिए ये इसको ऐसे होल्ड किया, ये देखिए अभी सिंपली आप इस तरह से देखिए वो कर्सर को आप मूव करा सकते हैं। ओके, देखिए फिर आप देखिए सिंपली लेके जा सकते हैं। तो इस टेक्निक का यूज़ आप नोट पैड में कर सकते हो, मैसेज में कर सकते हो या फिर कहीं पे भी आप टाइप करते हो, तो ये सिंपल जैसा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। तो आशा करता हूँ कि आईफोन कीपैड के ऊपर ये दो ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं मिलता हूँ एक नया टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।